मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर फर्जी नेटवर्क कंपनी द्वारा लड़कियों को फंसाकर उसके यौन शोषण और मारपीट का मामला काफी तूल पकड़ चुका है। ऐसे में हम आपको एक ऐसे ही पीड़िता से मिलाने जा रहे हैं जिनसे पूरी आप बीती सुनेंगे। जिस वीडियो में आपने देखा था कि एक लड़की को मारा पीटा जा रहा था, वो पीड़िता हमारे साथ है। क्या क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ तो पहले फर्स्ट में जॉब के नाम पे बुलाया करते थे। हम जब घर में पढ़ाई करके बैठे थे तो हरे राम सर कॉल किए, फेसबुक मैसेंजर से बात हो रहा था उनसे, तो यही बात हुआ कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो यही बताए कि हम हाजीपुर में DBR कंपनी में जॉब करते हैं। तो मुझे बोले कि यहाँ पे आओगी, अच्छा खासा जॉब है और आराम के काम है, 15,500 के महीना मिलेगा। तो हम उनसे पूछे कि इसमें कुछ लगता भी है, तो कह रहे हैं अपना डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा और 20,500 रुपया लगेगा। फिर घर से जब अपने मौसी से कर्ज लेके 20,500 रुपया हम आए और आके यहाँ पे ज्वाइन किए। फर्स्ट बार मुझे ज्वाइन करते समय आए और ऑफिस में ज्वाइन हो गए, पैसा वैसा 20,500 जमा कर दिए, फिर रूम पे आए, साइकोलॉजी क्लास चला। साइकोलॉजी में मतलब यही बताया गया कि आप कैसे होता है, ये एक दूसरे कैसे हम बातों में कंफेस कर दें, है ना, तो यही बताया गया। उसके बाद से दूसरे दिन SVP चला, तो हम फिर पूछे जब यहाँ पे करना है तो फिर ये क्लास क्यों चल रहा है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 15 दिन तक ला ट्रेनिंग क्लास चला जाता है। हम बोले वो किस देते, कह रहे ट्रेनिंग क्लास के माध्यम से काम को जानकारी मिलती है। हम बोले ठीक है, तो 15 दिन तक ले काम को जानकारी स्टार्ट कर दिए ट्रेनिंग क्लास को। और उसके बाद से फिर 15 दिन के बाद उनसे पूछने लगे जब मुझे जॉब दिलवाइए, जब हम बुलाए तो मेरा ट्रेनिंग क्लास तो पूरा हो गया, तो कह रहे हैं कि हर राम सर की यहाँ पे एक दूसरे को बुलाना होता है। ट्रेनिंग में मतलब यही सिखाया जाता था कि एक दूसरे को कैसे बुलाना है। तो हम बोले तो यही बोले हर राम सर की 100 लोगों का लिस्ट बनाओ और लिस्ट बना के और बातें करो, बातें करके यहाँ पे बुलाओ 20,500। आपने कितने कितने लोगों को आपने बुलाया था? हम तो सर 21 आदमी को बुला चुके हैं, 20,500 जी। तो उसमें लड़कियां कितनी थी? लड़कियां 14 थी। 14 लड़कियां, वो लड़कियां कहाँ हैं? वो लड़कियां जो लड़कियां आप मतलब सर ये बात बताइए कि जो लड़की अपना पढ़ाई छोड़ के अपना घर परिवार छोड़ के आई थी यहाँ पे जॉब करने, हम उससे बुलाए थे, मुझे जबरदस्ती नहीं बुला रहे थे। कहाँ रखा जाता था, तमाम लड़कियों को रखा कहाँ जाता था? वो मतलब एक कमरे में रखा जाता था। कहाँ पे? हाजीपुर। हाजीपुर में रखा जाता था जी। और मुजफ्फरपुर के बकरी में भी रखा जाता था। हाँ, तो ये जो लड़कियां थी उनके साथ क्या व्यवहार होता था या आपके साथ क्या व्यवहार होता था? कहा जाता है कि यौन शोषण भी किया जाता था। कहने का मतलब ये है ना कि जो न्यू लड़कियां आती थी तो उसके लिए तो सर हर एक चीज मतलब बात कहीं करने नहीं देते थे लोग। ये रही बात ये है कि अपने घर पे वो बात करेगी ना तो उसके साथ रहना पड़ता था, क्योंकि ये निगेटिव बातें ना बताए, यहाँ के जो कल्चर है माहौल ये घर पे ना बताए, मतलब पूरा एकदम उसको मतलब अपने कब्जे में रखा जाता था। हाँ जी, जो लड़कियां यहाँ के बारे में बताएगी तो ये मेरा ये चली जाएगी घर। वीडियो आपका वायरल इसमें हो रहा है कि मारा पीटा जा रहा है, आपको क्यों मारा जा रहा था? मारने की वजह यही है सर कि हम नहीं बुला रहे थे। फर्स्ट बेट तो ये है कि हम बुला नहीं रहे थे, इसके वजह से एक बार पीटा गया तो उसका कोई मेरे पास सबूत नहीं, और दूसरा बार मारा लो तो उसके पास मेरे पास। मारने वाले कौन सब थे? मारने वाले हरे राम सर और तिलक प्रताप सर और अजय प्रताप सर, और उसके बाद से वीडियो बनाने वाला नूर आलम सर और विजय गिरी सर। ये मारपीट कहाँ पे की गई थी आपके? ये हाजीपुर। हाजीपुर में जी। ये लोग कहाँ के हैं, ये तमाम लोग, ये सब कहाँ के? ये सर तो सिवान के और गोपालगंज के और बलिया के। यही मुजफ्फरपुर के नहीं, मुजफ्फरपुर के नहीं है। अभी ये लोग कहाँ हैं? अभी ये लोग हर एक इंसान अपना अपना टीम लेके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ही चला रहा है, लोग काम कर रहा है जी, काम कर रहा है। मुजफ्फरपुर में इस कंपनी को कौन चला रहा है? मुजफ्फरपुर में इस कंपनी का तो सर एक बार तो मतलब रेड पड़ा था तो ऐसे हो गया, और उसके बाद से छुप के टीम चला रहा था लोग, जो कल के अरेस्ट हुआ है 100 लोगों। कितने लोग अरेस्ट हुए? 100 लोग। 100 लोग अरेस्ट हुए जी, लड़का सब। अच्छा आप ये बताइए, यौन शोषण का जो मामला कहा जा रहा है, कितनी लड़कियों के साथ अब तक की घटना हुई है? सर ये लड़की हर एक लड़की के साथ होता था, जो 1-2 महीना रह गया उसका जो पूरा, हाँ उसका यही हाल होता था, जो टीम मतलब चलाने लगा। मुजफ्फरपुर में ही होता था या सर? ये तो शुरुआती दौर में तो काम किए हैं, तो हाजीपुर में ही काम किए हैं, इधर तो काम किए नहीं है। हाँ, तो इन बाकी लड़कियों के साथ कहाँ पे मतलब रेप हुआ है, मतलब मुजफ्फरपुर में हुआ है क्या? हाजीपुर में खासकर ज्यादा। हाजीपुर में? हाँ, हाजीपुर में कहाँ है ये? हाजीपुर में रामसी चौक के पास में ही है।
इधर यादव द्वार है ना, उसके पास में ही मतलब ऑफिस है, इधर उधर रूम लेकर रहा करते थे लोग, सब कोई अपना अपना टीम। आपके संपर्क में अभी कितनी लड़कियां हैं जो इसमें इस चंबुल में फंसी हुई हैं? सर मेरे संपर्क में आप देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियां थी, ठीक है, लेकिन अभी अपने अपने लड़कियां अपने अपने, किसी को शादी हो गया, किसी को मतलब कहीं और जगह काम कर रही है। आप उसमें से कैसे निकली? उसमें से हम यही निकले कि क्योंकि जब पैसा के मामले सर आता था ना, तो मतलब इंतजार करते करते 1.5-2 साल हो गया पैसा के लिए, जब ज्यादा मेरे पास ज्यादा एथी हो गया ना, तो इसके वजह से हम निकल गए। निकलने दिया जाता था घर जब आप लोग को जहाँ पे काम करते थे, बाहर घूमने दिया जाता था? घूमने नहीं, किसी को साथ में सीनियर पर्सन के साथ में घूमने दिया जाता जा था। हाँ, अकेले ऐसे कहीं नहीं जाना, अकेले कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं। घर पे भी जाना होता था तो रिक्वेस्ट करना पड़ता था। लड़कों को बुलाया जाता था कि नहीं बुलाया जाता? लड़कों को भी बुलाया जाता था, लेकिन लड़कियां पर ज्यादा फोकस, लड़कियों पर ज्यादा फोकस और टॉर्चर किया जाता था। टॉर्चर भी किया जाता था? इस तरह से टॉर्चर किया जाता था? टॉर्चर मतलब वही, लड़कियां अगर सीनियर के बात ना माने तो गलत तरीके से इस्तेमाल, और दूसरी बार मारपीट। हाँ, बेल्ट से मारना। हाँ, बेल्ट से मारना, एक दूसरे को बुला के पीटना, ये एक काम होता था। एक ही कमरे में कितनी लड़कियों को रखा जाता? एक ही कमरे में मतलब 4-5, और न्यू लड़की आए तो उसके साथ एक ही दो लड़कियां रह सकती है, जो उसके मतलब वो सब कोई किसी को बताए ना, निगेटिव ना करे, जो यहाँ पे ये होता है वो होता है। उस लड़की जो आती है उसको अकेली कमरे में जो बुलाता है वो, और वो लड़की न्यू लड़की रहती है। काम आपने नहीं किया मतलब लोगों को नहीं फंसा पाई ज्यादा, तो आपको मारा पीटा गया? हाँ। आपके साथ भी कोशिश की गई थी? मेरे पास भी मतलब कोशिश करने वाला सर कभी तो हारता नहीं है, वो तो करते ही रहता है, लेकिन इंसान जब अच्छा रहे ना तो हर एक चीज से ही कर सकता है। अपने हिम्मत से, अपने हिम्मत से, और यही काम हुआ मेरे साथ, खाली मारपीट हुआ और बुलाने की वजह से मुझे पीटा गया। हाँ, यही बात है। सभी लड़कियों को पीटा जाता? सभी लड़कियों का। हाँ, जो लड़कियां मतलब 4-5 महीना काम कर लेती है, उसके पास 2-4 का टीम हो जाता है, उसके साथ ही ऐसा ही किया। केस आप लोगों ने दर्ज कराया है? जी। कब केस किया आप लोगों ने? हम लोग तो सर जनवरी में ही किया जी, था। जनवरी में। और इस मामले को लेकर अभी जो इतना तुल पकड़ा है, तो ये केस अब दर्ज हुआ है 9 तारीख को, बताया जा रहा है कि जून महीने में दर्ज हुआ। जी जी जी। तो हमारे साथ पीड़िता हैं, आपने उस वीडियो में देखा था किस तरीके से बेरहमी से पिटाई कर रहे थे, उन तमाम लोगों का नाम भी ये बता रही है, और बताया जा रहा है कि काम जो कर रही थी उसने बताया जाता था कि लोगों को फंसाने का काम था, सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई, उसके बाद तमाम लोगों को फंसाने का काम किया जाता था, कॉल करके बुलाने का काम किया जाता था, और वो नहीं कर पाने पर उसकी पिटाई होती थी, खासकर जब नई लड़कियां आती थी तो उनका यौन शोषण भी होता था। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ।